बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 389 केंद्रों पर 33,121 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,219 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 23,685 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में फर्स्ट डोज 96%, सेकंड डोज 68%, 15 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को 62% तथा बूस्टर डोज 57% से ऊपर तक वैक्सीनेशन किया गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोविड का टीका लगाएं तथा जो लोग चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पहले कोविड का टीका लगवाएं, उसके बाद चुनाव का प्रचार प्रसार करें। और जनपद में सभी जगह पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है तथा सभी लोग आकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं और अपने जनपद को सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आप नंबर बिल्कुल भैया, फोटो लेना है ना, तो एक मिनट रुको। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा क्या हमारा ये रैंडम राइट 6386 आज जो है जनपद में 350 जगहों पर टीकाकरण हो रहा है और अभी तक हम लोग जो हैं जो लोगों से संकेत मिले हैं काफ़ी अच्छा परिणाम रहा है। टीकाकरण में हम लोग पहली खुराक जो है 96% से ज़्यादा लगा चुके हैं, सेकंड डोज जो है हमारी 68% के ऊपर हो चुकी है और 18 साल से ऊपर के बच्चों को जो लगानी थी वैक्सीन वो जो है हमारी 62% के ऊपर जा चुकी है। इसी प्रकार प्रकाशन डोज जो है हमारी 57% से ऊपर हो चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से जनपद गोरखपुर वासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड का टीका लगाएं, बढ़ चढ़ कर के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरा उन लोगों से विनम्र अनुरोध है कि पहले टीका तब चुनाव का प्रचार प्रसार करने निकलें। और वैक्सीनेशन जो है हमारा पूरे जनपद में जगह जगह हो रहा है, सब लोग आकर के अपना वैक्सीनेशन कराएं और कोविड से सुरक्षित रहें।